नमस्कार एंड नाउ यू आर वाचिंग कार्नेज ब्लॉग। तो भाई आज हम बताने वाले इंक्लाइन बेंच प्रेस वर्कआउट चेस्ट का। तो ठीक है भाई, आज हम शुरू करते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस, उसका सही फॉर्म। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये जो हम एंगल सेट करते हैं इंक्लाइन का, इंक्लाइन का जो एंगल रहता है नॉर्मल जो लो रहता है वो ज़्यादातर 45 में रखते हैं, 45 डिग्री में। ये भी सही है, मगर जैसे हमको इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाना है अपने अपर चेस्ट पे आना चाहिए, तो उस हिसाब से ये अपर चेस्ट में 30% बस आता है, बाकी 20% आता आपके डेल्ट में और बाकी बचा हुआ आता आपके मिडिल में। तो सही एंगल ये हुआ, बेस्ट एंगल बेस्ट डिजाइन के लिए, अब जो भी आपको बेस्ट डिजाइन के लिए एंगल चाहिए 30 डिग्री का, ये एंगल सबसे अच्छा होता है इंक्लाइन के लिए, जो सीधा आपके अपर चेस्ट को करता है। सो गाइस ये टिप है पूरे बिगनर्स के लिए, मुझे भी ज़्यादा टाइम से हुआ है, मगर जितना मैं सीखा हूँ उतना एक्सपीरियंस है मैं उतना बता सकता हूँ बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स के लिए शुरुआती इंक्लाइन बेंच प्रेस कैसी रहनी चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सेट कर लिया हूँ, ये 30 डिग्री में सेट किया हूँ और 45 डिग्री, ये 2 डिग्री पे लोग ज़्यादातर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं 30 डिग्री पे प्रेस। सबसे पहले तो हम नीचे से डंबल को ऊपर तक ले जाने के लिए नॉर्मल अपने पैरों पर रख के इसको सीधा ले जाते हैं। इसके बाद देखो जो डंबल होते हैं वो एकदम आपके आई पॉइंट जो सामने रहता है, एकदम आँख के सामने उस तक के अकॉर्डिंग उसको सेट करके रखना है, तो सही पोजिशन में आएगा। उसके बाद जो पैर होंगे तुम्हारे उसको इस तरीके से एडजस्ट करना ताकि पावर कन्वेट कर पाए, और उसके बाद एक आर्क हमारे कमर पे एक आर्क होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी होता है वेट करने के लिए। उसको हल्का सा बैंड करो डंबल को और हल्का सा गैप रखो, फिर धीरे से नीचे की तरफ आओ, आगे की तरफ हल्का सा होल्ड करो, फिर ऊपर और नीचे लाते वक्त कम से कम 3-4 सेकेंड होल्ड करके नीचे लाना। उसके बाद हल्का सा होल्ड स्ट्रेच, फिर इसको वापस, फिर इसको हल्का सा होल्ड होल्ड करो, फिर पुश करो, इस तरीके से स्लोली स्लोली करना है। तो गाइस ये तो 30 डिग्री पे हमने भी इंक्लाइन करना सीखे, उसके बाद इसको कर लेते हैं जो नॉर्मल हम करते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो वैसे तो दोनों एंगल सही होते हैं, मगर ज़्यादा नहीं करता 30 डिग्री, मगर ऑब्वियसली बात है लगभग 90% लोग इसको 45 डिग्री नहीं करते, तो 45 डिग्री में भी वही। इसमें भी डंबल को हमको एकदम आँख के ऊपर रखना है अपने आरजू के ऊपर और हल्का सा इसको करके बैंक हाथ को लूज स्क्वीज करके आर्क बना लिए हमारे बैक पे, उसके बाद स्लोली इसको नीचे ला रहे हैं 3-4 सेकंड होल्ड करके, फिर स्ट्रेच, फिर पुश, फिर उसके बाद 3-4 सेकंड स्लोली डाउन, फिर स्ट्रेच, फिर इस तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा था इंक्लाइन डंबल प्रेस, तो इस तरीके का फॉर्म आप लोग यूज़ कर सकते हो, इसी फॉर्म से कर सकते हो, बाकी ईगो लिफ्टिंग करना बहुत बेकार है जो आपके बिगनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। अपना आइडियल वेट चुनो, नॉर्मल वेट चुनो, जो कंट्रोल में हो उतना वेट करो और स्लोली करो कंट्रोल के साथ, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग करने से बॉडी में कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा इंजरी हो सकती है। इसलिए ईगो लिफ्टिंग ना करके आराम से अपने आइडियल वेट के साथ एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, मेरी सलाह तो यही है, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो।